हेलो फ्रेंड्स, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं गॉल्जी बॉडी एंड गॉल्जी काय की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गॉल्जी काय एक ऑपरेटर्स है। आपको मैंने बता चुके हैं पहले भी कि गॉल्जी काय जो हमारे होते हैं वो एक प्रकार का ऑर्गेनल्स हैं जो सेल्स में पाए जाते हैं। तो मैं सारे सेल्स में जितने भी सेल्स मतलब सेल्स में जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उन सभी को एक एक करके आपको बताऊंगी। तो आपने देखा होगा, मैंने कई चीज़ें बता चुकी है कई ऑर्गेनल्स के बारे में, जैसा माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी काय की। तो गाइस, चलिए सबसे पहले कुछ ऐसे ही जान लेते हैं बेसिकली कि गॉल्जी बॉडी क्या होता है। गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी काय जो हमारा होता है वो सेल्स का सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है, सेल्स का सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स गॉल्जी बॉडी को माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि गॉल्जी काय क्या होता है। ठीक है, गॉल्जी काय किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर गॉल्जी काय लिखा हुआ है, कोशिका की कोशिका द्रव्य में केंद्रक के समीप कुछ थैलीनुमा कोशिकांग या ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इन्हें गॉल्जी काय या गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी उपकरण या गॉल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं। देखिए गाइस, जितने लाइन में मैंने अंडरलाइन किया उसको समझ लीजिए कि जो हमारा गॉल्जी बॉडी होता है वो कोशिका की कोशिका द्रव में, मतलब कि सेल्स के कोशिका द्रव में केंद्रक के समीप, ठीक है, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, केंद्रक के समीप कुछ थैलीनुमा कोशिकांग, कोशिकाओं को बोलते हैं ऑर्गेनल्स। ओके गाइस, कोशिकाओं को ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो थैलीनुमा ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं किसके पास, कोशिका में, कोशिका द्रव में केंद्रक के समीप। ओके, तो जो थैलीनुमा संरचना दिखाई देती है उसे गॉल्जी काय या गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी उपकरण कहते हैं। गॉल्जी काय को कई नामों से जानते हैं, जैसा कि इसमें दिया है, गॉल्जी काय, गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी को इंग्लिश में बोलते हैं गॉल्जी बॉडी ही, ठीक है, गॉल्जी उपकरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे कि गॉल्जी काय की खोज। ठीक है, गॉल्जी काय की खोज कैमिलो, किसने की थी, कैमिलो गॉल्जी ने की थी। ठीक है, कैमिलो गॉल्जी ने जी जो थे वो गॉल्जी बॉडी की खोज की थी। ओके गाइस, चलिए आगे क्या है, जो कैमिलो गॉल्जी थे, कौन गॉल्जी, कैमिलो गॉल्जी जो थे, ठीक है, उन्होंने इटली के एक तंत्रिका वैज्ञानिक, कहाँ के, इटली के एक तंत्रिका वैज्ञानिक थे जिसने श्वेत उल्लू बॉर्न आउल की तंत्रिका, किसमें, बॉर्न आउल की तंत्रिका में, ठीक है, इसे विख्यात किया था। मतलब कि बॉर्न आउल की तंत्रिका में कोशिकाओं में इसका पता लगाया था जो उसके नाम से ही विख्यात हुआ था। ओके, तो कहाँ पे पता लगाया था गाइस, फिर से देख लेते हैं हम। जो हमारा गॉल्जी बॉडी जो कैमिलो गॉल्जी ने खोज की थी उन्होंने इटली के, ठीक है, उन्होंने इटली के एक तंत्रिका वैज्ञानिक थे जिसने श्वेत उल्लू बॉर्न आउल की तंत्रिका कोशिकाओं में इसका पता लगाया था जो इसके नाम से ही विख्यात था। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे कोशिका की आकार और आकृति के बारे में, मतलब गॉल्जी बॉडी के आकार और आकृति के बारे में। इनकी आकृति चपटी होती है तथा ये एक के बाद एक समांतर रूप में स्थिर रहते हैं। गॉल्जी बॉडी का निर्माण कुछ थैलीनुमा सिस्टर्नी, कुछ छोटे छोटे वेसिकल एवं कुछ बड़े बड़े वैक्यूल से मिलकर होता है। ओके गाइस, जो हमारा गॉल्जी बॉडी होता है वो कुछ चपटी होती है और ये एक के बाद एक समांतर रूप में स्थित रहता है। और गॉल्जी बॉडी का निर्माण कुछ थैलीनुमा सिस्टर्नी और कुछ छोटे छोटे वेसिकल एवं कुछ बड़े बड़े वैक्यूल से मिलकर होता है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। और यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थ के संग्रह एवं परिवहन में सहायता करता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। हमारा जो हमारा गॉल्जी बॉडी होता है वो, ठीक है, देखिए आपको मैंने बता ही दिया आगे, ठीक है, गॉल्जी बॉडी को, ठीक है, कई नामों से जानते हैं, गॉल्जी बॉडी को कई नामों से जानते हैं। जैसा कि आपका स्क्राई ब्लू कलर का दिख रहा है स्क्रीन पर, मैंने सारे नाम आपको लिख दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं गॉल्जी बॉडी को गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गॉल्जी ओशोम, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है गॉल्जी बॉडीज, इंग्लिश में देख लीजिए, गॉल्जी उपकरण या गॉल्जी ऑपरेटर्स, ठीक है, गॉल्जी ऑपरेटर्स, डॉल्टन समृच्छ, ठीक है, क्या दिया गया, डॉल्टन समृच्छ,
इसे डॉल्टन कॉम्प्लेक्स या लिपोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में भी लिपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, या डिक्टियोसोम इंग्लिश में भी डिक्टियोसोम बोलते हैं, या ट्रोपोस्पोजियम, ठीक है, ट्रोपोस्पोजियम इंस्पोंजियम जिसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, और बेकर की बॉडी इंग्लिश में भी बेकर्स की बॉडी बोलते हैं, इडियोसोम, मतलब कि आप 8-10 नामों से गॉल्जी बॉडी को जानते हैं। ओके गाइस, इस चीज को नोटेड करिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ओके, तो जो हमारा गॉल्जी बॉडी होता है गाइस वो बहुरूपी होता है और भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। ओके गाइस, चलिए आगे बात करते हैं गॉल्जी बॉडी की। गॉल्जी बॉडी इसी कोशिकांग में निश्चित ध्रुवीयता पाया जाता है, और गॉल्जी बॉडी को बेकर की बॉडी क्यों कहते हैं, आप देखा था ना कि बेकर बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि बेकर ने इसे सुडोन ब्लैक अभिरंजक से अभिरंजित किया था और इसे विभिन्न स्राव से संबंधित होना बताया था, इसलिए इसको बेकर की बॉडी भी कहते हैं। ठीक है गाइस, इसलिए इसको बेकर की बॉडी भी कहते हैं। ओके गाइस, चलिए आगे बात करते हैं गॉल्जी बॉडी की संरचना की, कि जो हमारी गॉल्जी बॉडी की संरचना होती है वो किस प्रकार होती है। गॉल्जी बॉडी की संरचना गाइस, जैसा आपने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वैसे ही गॉल्जी बॉडी की संरचना होती है, उसमें भी कुछ इसी प्रकार संरचना दिखाई देती है। गॉल्जी बॉडी में भी तीन घटक दिखाई देते हैं, कितने घटक दिखाई देते हैं, तीन घटक। फर्स्ट नंबर हमारा है सिस्टर्नी, फर्स्ट नंबर है सिस्टर्नी, सेकंड नंबर है नलिकाएं, और थर्ड नंबर क्या है गाइस, पुट्टिकाएं। क्या है, पुट्टिकाएं। ओके, तो जैसा कि आपने देखा है फर्स्ट नंबर हमारा है सिस्टर्नी, तो फर्स्ट नंबर सिस्टर्नी कैसा होता है, ये झिल्ली नुमा, ठीक है, ये झिल्ली नुमा घुमावदार चपटी संरचना होती है, ये एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित रहती है। ओके गाइस, दूसरा हमारा क्या है, आगे भी देख लेते हैं, जो हमारा सिस्टर्नी होता है इनकी संख्या 6 से 8 होती है, मतलब कि गॉल्जी बॉडी में सिस्टर्नी की संख्या 6 से 8 होती है, लेकिन गॉल्जी काय में इनकी संख्या विभिन्नता पाई जाती है। कीट की सिस्टर्नी की संख्या 30 तक, गॉल्जी काय की सिस्टर्नी की संख्या 4 संरचनात्मक घटक होते हैं। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो हमारे गॉल्जी काय की सिस्टर्नी की जो 4 संरचनात्मक घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सीस गॉल्जी, अंतो गॉल्जी जिसे इंडो गॉल्जी बोलते हैं, मध्य गॉल्जी, मीडियल गॉल्जी बोलते हैं, ट्रांस गॉल्जी, ट्रांस गॉल्जी बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से 4 घटक हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नलिकाएं, ठीक है, नलिकाएं हमारा क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबल्स, ये छोटी सकित नलिकाकार संरचना होती है, ये शाखाओं के द्वारा आपस में जुड़ी होती है और ये सिस्टर्न के किनारों पर बनती है। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा क्या आता है गाइस, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप हमारा डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम देख लीजिए, इसमें सारे नाम्स दिए हैं गाइस, ठीक है, जैसा कि देखिए संक्रमण पुटिकाएं, ठीक है, अभी बताते हैं मैं आपको ये क्या होता है। जैसे कि देखिए सिस्टर्नी, सिस्टर्नी होता है ना, बताया था कि 3 घटक होते हैं गॉल्जी बॉडी के, सिस्टर्नी जिससे सिस्टर्नी का, और जो भाग होता है, मैं 4 भाग आपको बताया था, जिसका एक भाग है सिस भाग, ठीक है, ट्रांस भाग, ठीक, और भी है, जैसा कि आप दूसरा देखिए, एक हो गया सिस्टर्नी हमारा जो 3 घटक है, एक यहाँ पे देखिए पुटिका है ना, देखिए दिखा गाइस, दिख रहा है आपको कि यहाँ पे एक है पुटिका है ना, और एक है सिस्टर्नी, तो ये 2 भाग तो ये हो गए, और उसके 2 भाग मतलब कि जो सिस्टर्नी जो मतलब कि पुटिका थी, उनके जो 4 भाग थे कौन कौन से थे, सिस भाग थे, ट्रांस भाग थे, और आगे दिखा दूं मैं आपको इस तरीके से, ठीक है, और भी हैं, ठीक है। तो जो हमारे गॉल्जी बॉडी के मतलब कि जो भाग होते हैं, ठीक है, जो घटक होते हैं वो इस तरीके से इसमें बने होते हैं, तो ये हमारा गॉल्जी बॉडी का डायग्राम है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे हमारा पुटिकाएं, ठीक है, पुटिकाएं की बात करें तो ये कैसी होती है, ये छोटी तथा थैली जैसी संरचना होती है, इसका निर्माण नलिकाओं से होता है, पुटिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, संक्रमण पुटिकाएं, ठीक है, संक्रमण पुटिकाएं, मतलब कि जो हमारे पुटिकाएं होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। पहला हमारा संक्रमण पुटिकाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशनल वेसिकल्स,
ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो हमारा संक्रमण पुटिकाएं होती हैं गाइस, वो गॉल्जी का है अंतःपृष्ठीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर काम करती हैं। कौन? संक्रमण पुटिकाएं किसके साथ मिलकर काम करती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई प्रोटीन बनाया जाता है तो ये संक्रमण पुटिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, मतलब कि जब गॉल्जी बॉडी में कोई प्रोटीन बनाया जाता है तो ये जो मतलब संक्रमण प्रोटीन होती हैं वो सहायता करती हैं। ओके, जिसमें प्रोटीन भरा रहता है या पुटिका या थैली कोशिका द्रव के माध्यम से गॉल्जी तंत्र में प्रवेश करती हैं और अवशोषित हो जाती हैं। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड हमारा है स्रावी पुटिकाएं। क्या है? स्रावी पुटिकाएं। ठीक है, क्या इंग्लिश में बोलते हैं? सेक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चलिए देखते हैं। ये हमारा होता है जो गॉल्जी उपकरण में संक्रमण पुटिकाओं के अवशोषित होने के बाद स्रावी पुटिकाएं बनाई जाती हैं, जिनको कोशिका द्रव में छोड़ दिया जाता है और जहां से ये पुटिकाएं कोशिका झिल्ली तक जाती हैं, पुटिका या थैली में उपस्थित अणुओं को कोशिका में बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है कैलेथ्रिन लेपित पुटिकाएं। क्या है गाइस? कैलेथ्रिन लेपित पुटिकाएं। ठीक है, इसको इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं? क्लैथ्रिन। क्या बोलते हैं गाइस? क्लैथ्रिन कोटेड वेसिकल्स। ओके, ये पुटिकाएं कोशिका के अंदर ही विभिन्न प्रकार के उत्पादों के यातायात में सहायता करती हैं। ओके, क्या करती हैं गाइस? ये कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के उत्पादों के यातायात में सहायता करती हैं। तो इस तरीके से हमारा गॉल्जी बॉडी का तीसरा हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। गॉल्जी काय का सिस और ट्रांस भाग। देखो, आपने देखा था कि गॉल्जी काय के जो सिस और ट्रांस भाग है, ठीक है, जो चार भाग थे ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला तो चलिए सिस और दूसरा ट्रांस, ये हमारे गॉल्जी का मेन भाग होता है, इस वजह से इसके बारे में आपको बता दे रही हूँ। गॉल्जी का है केंद्रक की ओर का भाग सिस भाग कहलाता है या निर्माण भाग या सिस फॉर्मिंग फेस कहलाता है। कोशिका झिल्ली की ओर का भाग ट्रांस भाग या परिपक्व भाग या ट्रांस ऑफ मैट्री भाग कहलाता है। गाइस देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो गॉल्जी का के केंद्रक की ओर का भाग होता है वो सिस भाग कहलाता है। ठीक है, जिसे आप सिस ऑफ फॉर्मिंग फेस कहते हैं, और जो कोशिका झिल्ली की ओर का भाग होता है वो ट्रांस भाग कहलाता है। मतलब केंद्रक की ओर का भाग सिस भाग और कोशिका झिल्ली की ओर का भाग ट्रांस भाग कहलाता है। ठीक है, जो परिपक्व भाग या ट्रांस और मैट्रिंग भाग फेस कहलाता है। ओके गाइस, चलिए आगे भी देखते हैं। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे बनने से वाले प्रोटीन सिस भाग से गॉल्जी काय में प्रवेश करते हैं और जिनकी पैकेजिंग करके ट्रांस भाग से पुटिकाओं के रूप में निकाला जाता है तथा इस भी प्रोटीन के आवश्यक भाग में भेजा जाता है। तो इस तरीके से हमारा गॉल्जी काय का यूज हुआ। ठीक है, तो गॉल्जी काय सेल्स के सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स या सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, इसलिए गाइस गॉल्जी काय को बहुत ही अच्छे समझिएगा। गॉल्जी काय से क्वेश्चन किस टाइप पूछते हैं, मैं आपको एक वीडियो गॉल्जी काय पे फिर से बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी गॉल्जी काय पे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगी और भी ऑर्गेनल्स के, और जितनी ऑर्गेनल्स मैंने आपको पढ़ाया उन सभी ऑर्गेनल्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अलग से बनाकर दूंगी, ताकि आपको हिस्ट्री के साथ साथ क्वेश्चन भी पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारे।